रीवा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक्सिस बैंक में ग्राहक और बैंक कर्मियों के बीच हुआ विवाद। ग्राहक ने बैंक कर्मियों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना अंतर्गत शिल्पी प्लाजा में स्थित एक्सिस बैंक के कर्मचारियों के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। एक ग्राहक ने बैंक कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है और उसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। दरअसल यहां पर वार्ड नंबर 9 गोविंद नगर के रहने वाले नागेंद्र सिंह का खाता इसी बैंक में है जो रीवा से बाहर रहते हैं। मंगलवार को उनका बेटा अंशुमान सिंह अपनी मां के साथ पिता के खाते में जमा रकम के बारे में जानकारी लेने बैंक गया था। उसका आरोप है कि जब वो बैंक में खाते के बारे में जानकारी ले रहा था तो बैंक के एक कर्मचारी और उसके साथियों द्वारा उसके साथ मारपीट शुरू की गई। उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। जब उनकी माँ बीच बचाव करने पहुंची तो उन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की। उसका आरोप है कि वो कई बार छुड़ाकर बाहर भागने का प्रयास किया लेकिन उन लोगों ने उसके साथ कई बार मारपीट की। वह किसी तरह से अपने को बचाकर बाहर निकला। वहीं इस मामले में बैंक के मैनेजर का कहना है कि कोई मारपीट नहीं की गई है, ग्राहक द्वारा कर्मचारी से बदतमीजी की गई। उनका कहना है कि बीच बचाव करने में जो कपड़े फट गए हैं लेकिन बैंक मैनेजर की जो भी दलील हो, जिस तरह से ग्राहक के कपड़े फटे हुए हैं उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके साथ मारपीट की गई है। इस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत है पीड़ित एवं शाखा प्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अंश। मारपीट है, बहुत बुरे तरह से मारी है। सब लोग हम न होते तो जान ले लेते हैं। ये पैसा जमा था तो ये बोला कि ऐसे जगह कर लिए। बस इतने में मैनेजर उठे मारने लगे, इतने में पूरी पब्लिक उठ गई। बैंक में जितनी पब्लिक है सब उठ गई। हम बोलते भैया मत मारिए, भैया मत मारिए, भैया मत मारिए। तो यही सब बोल रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, मैनेजर को भी पकड़ रहे हैं। भाई हमको कहीं हमारा ब्लाउज खींच रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं, हमको लपट गए सब लोग। चैन टूट के गिर गई, पता नहीं कहाँ चली गई, नहीं मिल रही है। पूरी चूड़ी टूट गई, सब पूरी बुरी है, पूरी खरगोटे देखते नहीं है, पूरे सब खरगोट नहीं है। किनका खाता है यहाँ जी? खाता किसका है यहाँ? आपके पति का है सर खाता। हाँ, उसका भी परिचय का भी है। मेरे पापा सिलसिले में आए थे हम। उनका क्या नाम है? नागेंद्र बहादुर सिंह। अंशुमान सिंह। सर यहाँ बैंक के अंदर मारपीट की गई, कौन मारा? जी एक रोहित तिवारी था, उसके साथी थे बैंक के। बैंक के कर्मचारी है? बैंक के कर्मचारी थे। कितनी मारपीट की गई? हमको लगभग एक दो से तीन बार मारपीट गई। दो से तीन बार हम बछुआ के बाहर निकले, हमको दो तीन से तीन बार अंदर ले जा गया। चौथी बार में हम जो है तो निकल पाए भक्त। हम जानकारी हमको पैसे के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो भाई वो मारने लग गया उतने में। वो सिर्फ हम पूछताछ कर रहे थे भाई, उसको कुछ हम कुछ बोले नहीं, उसको उससे कोई हमारा झगड़ा भी नहीं है पर्सनल। आपका खाता यही है? खाता मैं पिताजी का खाता है। पिताजी हाँ, उसके बारे में जानकारी लेना है। पिताजी हमारे बाहर रहते हैं तो जानकारी लेना। माता जी के साथ आए थे हम। किसी को पहचानते हो आप जो मारते हैं? हाँ, एक को तो जानते हैं, रोहित तिवारी, जो सबसे पहले ही बैठता है यहीं किनारे ही बैठता है। वो तो सबसे पहले आया था मारने, उसी के साथ बात ही, उसी से बात ही करने आए थे हम। वही मैनेज कर रहा था अकाउंट का। हाँ, कम से कम 10 लोग, 10 से 12 लोग थे मारने वाले। उस समय कोई बचाया नहीं आपको? एक आदमी सिर्फ बचाया तो कोई नहीं, एक आदमी बस बोल रहा था कि हो गया, छुड़ा के बोल रहा था जाओ, हो गया जाओ। यही वार्ड नंबर 9 गोविंद नगर। आप केवल एक पक्ष को सुन रहे हैं, दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए कि ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई। पुलिस वाले आए हुए थे, उन्होंने फुटेज देख ली है, ठीक है। फुटेज के अकॉर्डिंग वो अपना निर्णय लेंगे, पुलिस भी निर्णय लेगी, और एक तरफा कुछ भी नहीं होती चीज़ें। ऐसी कस्टमर आया, कस्टमर के खाते में कुछ प्रॉब्लम थी, हमारे एग्जीक्यूटिव ने बताया उनको, और वो उसी में गाली गलौज करने लग गए। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है कोई भी चीज़। तो मारपीट नहीं हुई है उनसे। अब वो क्या हुआ है, हुआ क्या है कि उसको बीच बचाव में वो कपड़े वो हो गए, बाकी और कुछ नहीं। तो उनको कहाँ चोट कहाँ लगी? कपड़े के अलावा कोई कोई आदमी केवल कपड़े ही फाड़ेगा क्या? मारपीट करेगा तो कुछ बीच बचाव में हुआ, उनका टेबल वगैरह में फंस गया होगा। बीच बचाव विवाद नहीं हुआ तो बीच बचाव कैसा? विवाद हुआ ना, कस्टमर ने गाली गलौज की ना, वही तो बता रहा हूँ मैं। कस्टमर जी मारपीट नहीं हुई है ब्रांच में। मारपीट कौन बोल रहा है? फुटेज हमने अवेलेबल करा दिया है पुलिस को।
अकॉर्डिंग पुलिस वो उसके हिसाब से वो अपनी जांच करेंगी, अपने हिसाब से वो निर्णय लेंगी। क्या नाम है सर आप? मैं प्रसून, प्रसून पटेल। क्या पद क्या है? मैं मैनेजर हूँ। महिलाओं के द्वारा पता गया कि आपके द्वारा पता जा रहा है कि कैमरे खराब है, बंद है? कैमरे चालू हैं हमारे, पूरे चालू हैं, हमने दे दिया जिनको फुटेज अवेलेबल जो भी हैं वो सब हमने दे दिए। ठीक है।